इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो अब ये बात तो हमें अच्छे से पता है कि अगर कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड राइज करती है। अगर एक कमोडिटी का प्राइस 10 से 8 होगा तो मुझे एक बात बताओ उसकी डिमांड कितनी होगी, 100 से 120 हो जाएगी या 100 से 150 होगी या 100 से 200 होगी या 100 से 101 होगी या 100 से 1000 होगी। मुझे बताओ इनमें सही आंसर कौन सा। 120। क्या बात है, बिल्कुल गलत जवाब। 120 बेटा सारे आंसर ठीक। मैंने तुम्हें यही पढ़ाया है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। ये थोड़ी कहा कि सिर्फ अगर 20% प्राइस कम होगा तो 20% ही डिमांड बढ़ेगी। 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 160, 170, 180, 190, 106, 107 कुछ भी हो सकती है। पर वो कितनी होगी ये मेजर करने का काम होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। वो आके ये बताता है कि हाँ ये तो हमें पता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, पर चेंज होके कितनी होगी, दैट इज द वर्क ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। Of change in demand due to change in price of the commodity। देखो अब इस डेफिनेशन में चार चीजें थी। पहली it is a measure, दूसरी किस चीज का मेजर, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस चीज का, ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मेजर, मतलब इसका काम क्या है, कंप्यूट करना। क्या कंप्यूट करना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस मीन्स हाउ मच, कि रिस्पॉन्स तो आया पर कितना रिस्पॉन्स आया, कब, ऑफ किस चीज का, चेंज इन डिमांड, कब, जब प्राइस चेंज हुआ। सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देयर आर थ्री मेथड्स टू कंप्यूट price elasticity of demand. There are three methods to compute price elasticity of demand. Okay, अब कौन कौन से तीन method देखते हैं जरूर। सबसे पहला method percentage method। Okay, इसे हम एक नाम और देते हैं और वो नाम है proportionate। ठीक है, दूसरा मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसे हम एक नाम और देते हैं टोटल आउटले मेथड। और तीसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड, इसे हम एक नाम और देते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। चलो एक गुड न्यूज भी हाथों हाथ दे देता हूँ, ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नाम तुम्हें तीनों के लेकिन हम एक्सप्लेन तीनों को नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन हम सिर्फ परसेंटेज मेथड को करेंगे क्योंकि एक ही कोर्स में परसेंटेज मेथड। अच्छा, परसेंटेज मेथड का दूसरा नाम क्या याद हुआ किसी को? Proportionate। क्या बात,
अब देखो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट मेथड टू फाइंड price elasticity of demand. ठीक है, जो वो दो मेथड नहीं आ रहे ना, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं बताते, वो ये बता देते हैं कि आंसर मोर देन वन है, लेस देन वन है, इक्वल टू वन है. तो मोर देन वन तो टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, पर ये एग्जैक्ट बताते हैं. अगला पॉइंट हम यही लिख रहे हैं, एज इन दिस मेथड we can compute the exact magnitude of price elasticity of demand in order to compute exact magnitude of price elasticity of demand percentage change in quantity demanded is divided with percentage change in price. ठीक, चल मैं करके देखा था, ध्यान से देखना अब ये कैसे निकलता. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसे शॉर्ट में लिखते हैं पीईडी, या फिर उसे सिर्फ ईडी भी लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर उसे ईपी भी लिखते हैं, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये कैसे निकलती है, देखो, परसेंटेज change in quantity demand upon percentage change in price. अच्छा, अब ना हम एक टेस्ट करते हैं कि क्लास सिक्स में किस किसने पढ़ाई करी थी, सिक्स सेवन्थ में, और किस किसने नहीं. अब जैसे मान लो दिव्या की पॉकेट मनी थी पर मंथ 3000, और एक दिन दिव्या के पापा बहुत खुश हुए दिव्या पे और उन्होंने इसकी पॉकेट मनी 4200 कर दी, तो कितनी परसेंटेज दिव्या की पॉकेट मनी इंक्रीज है. अब मैं देखता हूँ कौन सा बच्चा मुझे ये बात बता पाता. 40%. वेरी गुड, कैसे निकला? तो 3000 का 10% 300 हो गया, इसे इनटू 4 कर दिया. बिल्कुल सही. देखो, अब बच्चे ने, सक्षम ने हमें बताया, सक्षम आप ही थे ना, सक्षम आप ही ने बताई थी बेटा. यस सर, आवाज पहचानने लग गया हूँ. देखो, 4200 माइनस 3000 अपॉन 3000 इनटू 100 करा, क्योंकि चेंज कितना हुआ 1200 का, इनिशियल कितनी थी 3000 इनटू 100. ठीक है, तो बेसिकली सक्षम ने क्या करा कि जो बाद वाली पॉकेट मनी थी, पॉकेट मनी 2 यानी 4200 माइनस पॉकेट मनी 1, पहले वाली पॉकेट मनी,
अपॉन इनिशियल पॉकेट मनी 1 into 100 इस तरीके से निकाला, तो यस दिस इज द फॉर्मूला टू कंप्यूट परसेंटेज चेंज। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकलेगी, हम बाद वाली क्वांटिटी माइनस नई वाली क्वांटिटी, बाद वाली क्वांटिटी माइनस नई वाली क्वांटिटी अपॉन नई वाली क्वांटिटी इनटू 100 करते, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इनटू 100। ओके अब देखो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, अपॉन में क्या रह जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन P1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू P1 अपॉन P2 माइनस P1। बताओ ये बात समझ आती है, और कोई ये नहीं कहेगा हम नॉन मैथ्स हैं, ये 7th-8th में सीखी है, 6th-7th में रहते, ये सबको क्लियर है पक्का। अच्छा yes. अब मैं एक कठिन सवाल yes. पूछूंगा, 2/5 इंटू 4/7 क्या होता है, देखते हैं कौन से 8/35। क्या बात है, बिना रिश्वत के पास हुए हो। अच्छा अब अगर मैं इस 5 को यहां ले जाऊं और इस 7 को यहां ले जाऊं और मैं लिख दूं 2/7 इंटू 4/5, टोटल क्या आएगा, सेम 8/5। इसे मैथ्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पे भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इनटू P1 बाय Q1। बताओ किसी को इस बात में दुविधा? नो सर। ठीक अच्छा Q2 माइनस Q1 जो है वो बेसिकली हमें बता रहा है चेंज इन Q, P2 माइनस P1 हमें बता रहा है चेंज इन P इनटू P1 बाय Q। गॉट इट, ये चीज हमने समझी। अब देखो जरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे सर बार बार कहते हैं ध्यान से सुनना क्योंकि सुनना जरूरी। दिस इज योर बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, और कसम खाओ माँ भवानी की कि जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल आएगा, पूछा हो या ना पूछा हो, जरूरत हो या ना जरूरत हो, बेसिक फॉर्मूला जरूर लिखोगे, नहीं लिखोगे तो एक नंबर कम पहले से करके चलो। चाहे क्वेश्चन में बेसिक फॉर्मूला यूज ना हो पर तुम्हें बेसिक फॉर्मूला लिखना है, तुम्हें कसम है मां भवानी की। अच्छा अब ये क्या है, ये है डिराइव्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, समझ रहे हो, ठीक है, ये जुगाड़ हम नहीं फॉलो कर रहे ऊपर के फॉर्मूले, हम बस लिख देंगे कि लो जी ठप्पा मार के तुम्हारा फॉर्मूला लिखा है, करेंगे हम अपना फॉर्मूला यूज, ये हमारा घर का बनाया हुआ फॉर्मूला, इसे कहते हैं डेराइव्ड फॉर्मूला, ठीक है। फिर तुम स्कूल जाओगे, स्कूल में मैम भी कराएगी फॉर्मूला, तो ये होता है स्कूल की भैंजी वाला फॉर्मूला। इसका प्रयोग हम करेंगे नहीं सिवाय एक क्वेश्चन के, वरना हमें ये फॉर्मूला चाहिए नहीं, पर ये है स्कूल की भैंजी वाला फॉर्मूला, अगर स्कूल में भाई जी हैं तो भाई जी वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूलों की तालिका है, ओके। अब मैंने जो ये चीजें बताई है, ठीक है, इसका जरा थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि देखते हैं क्या क्या समझ आया। तो यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड, ठीक है। तो पहले पीईडी बेसिक फॉर्मूला, पीईडी बेसिक फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज, कोई साथ नहीं दे रहा मेरा साथ में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बोर्ड में 10 नंबर ज्यादा आए अगले साल बच्ची के,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, अब परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का क्या फॉर्मूला होता है? क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन क्यू वन इंटू 100। चलो इसी बात पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला आप लोग बता दो। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इनटू 100। P2 माइनस P1 अपॉन P1 इनटू 100, ठीक है। अच्छा चलो इसी बात पे तुम लोग कोई मुझे डिराइव्ड फॉर्मूला बताएगा क्या? Q2 माइनस Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इनटू P1 अपॉन Q1। बहुत ही बढ़िया चल रहा है बेटा। चलो अब लगे हाथ लास्ट स्कूल की भेंजी वाला फॉर्मूला भी बता दो। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस P1 अपॉन Q1। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखो जी, इफ प्राइस ऑफ द न्यूमेरिकल देखते हैं, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस बाय 20% एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 40%, फाइंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब याद करो कसम माँ भवानी की जो मैंने तुम्हें खिलाई थी कि तुम्हें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लिखना जरूरी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी 20% बढ़ रहा है, तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो तो है प्लस 20%, और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर रही है 40% से, तो वो हो गई माइनस 40%। तो 40 से 20 आजकल कट रहा है तो आ रहा है 2 और माइनस 2, और माइनस 2% नहीं, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो माइनस 2 यूनिट्स, यूनिट्स में कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे माइनस 2 आ गया, बट इसके साथ आपको एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, और वो लाइन क्या है? हेयर नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि आंसर 2 है पर हम लिखते हैं माइनस 2 है, और एक लाइन लिख देते हैं नेगेटिव साइन डिपिक्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 10 टू 12 एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 20 टू 40, ये क्वेश्चन करने के लिए हमें स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। जब प्राइस 10 था, 10 से 12 हो गया, 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी, 12 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 14 हुआ, तो यहां से हमें पता चला ये P1 है, ये P2 है, ये Q1 है और ये Q2। बेसिक फॉर्मूला पहले लिखना ही लिखना है, कसम खाई हुई हमने माँ भवानी की। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू P1 बाय Q1। Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 यानी कि 14 माइनस 20 अपॉन P2 माइनस P1 यानी 12 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन 20, तो आ गया 14 माइनस 20 आजकल माइनस 6 हो रहा है, ये 2 और ये 1/2, 2 इससे कट गया 3/2, आंसर इज माइनस 1.5, और साथ में हमें लिखना पड़ेगा हेयर नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हियर नेगेटिव साइन डिपिक्ट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ओके, प्लीज कॉपी दिस।